नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और मैं हूं आपके साथ विकास जाटव। आपने अक्सर सड़क दुर्घटनाएं देखी होंगी और सड़क दुर्घटनाएं जब भी घटती हैं तो उसके बाद एक दृश्य सामने आपने ज़रूर देखा होगा और वो दृश्य बन जाता है जाम का। सड़क जाम कर दिए जाते हैं और ये सड़क जाम इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग मुआवजे की मांग करते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति की भी मौत हो जाती है जो घर का इकलौता कमाऊ व्यक्ति होता है और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग इसी बात के साथ सड़क जाम कर दिया करते हैं कि कम से कम प्रशासन से कुछ तो मुआवजा मिलेगा। और इसी मुआवजे की मांग को लेकर अक्सर आपने सड़क जाम करते लोगों को देखा होगा। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जहां प्रशासन जाम हटाने को लेकर पहुंचती हैं और वहां जाम में बैठे लोगों से ही उनका तनाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। अक्सर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए आपने देखा होगा कई बार लाठीचार्ज करने जैसी नौबत भी आ जाती है। हालांकि इन बातों का जिक्र हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी ही एक घटना गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र में घटी है जहां एक युवक की मौत हो जाती है आज से ठीक दो दिन पहले, यानी होली से एक दिन पूर्व। और जब यह घटना घटती है तो एक युवक जिनकी मौत हो जाती है और लोग जो वहां के ग्रामीण थे आक्रोशित होकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर देते हैं। पुलिस पहुंचती है, जाम हटाने का प्रयास करती है लेकिन इसी बीच ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो जाती है। झड़प होने के बाद पुलिस कार्रवाई करती है, 22 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर केस करती है, 12 लोगों को जेल पुलिस भेज चुकी है। इस पूरे मामले ने अब एक नया रूप दे दिया है। पुलिस के कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं कि पुलिस आखिर कैसे सड़क जाम कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करती है। हालांकि पुलिस का जो पक्ष है वहाँ ये कहना है कि पुलिस पर पथराव किए गए, जबकि अगर पुलिस चाहती तो सहजता से इस मामले को शांत करवा सकती थी। लेकिन कभी कभी ऐसे भी माहौल होते हैं जहाँ इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि जो परिजन होते हैं वो तो दुख के साथ बैठे रहते हैं, वो शायद उस समय उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिस वजह से इस तरह की स्थिति हो जाती है, भगदड़ जैसी स्थिति मच जाती है और यही स्थिति ताराटांड थाना क्षेत्र में देखने को मिला। हालांकि इस घटना के को लेकर के कई ऐसे लोग हैं जो कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भाकपा माले के नेता राजेश यादव ताराटांड आज थाना क्षेत्र जहां ये घटना घटी थी वहां वो पहुंचे थे। वहां के लोगों से मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। होली के एक दिन पूर्व गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना क्षेत्र के मोहली डी में हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत के बाद मुआवजे को लेकर पंडरी में हुए कई घंटों के सड़क जाम को हटाने में पुलिस की कार्रवाई से चोटिल हुई महिलाओं सहित अन्य पीड़ितों से आज भाकपा माले नेता राजेश यादव ने मुलाकात की। इस बाबत माले नेता ने पीड़ितों की बातों को सुनने और उनके घरों का जायजा लेने के बाद कहा कि असली मसला सड़क पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं और पीड़ित परिवार के मुआवजे को लेकर सरकार की मौजूदा नीति है, जिस कारण प्रायः हर दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार के प्रति असुरक्षा का भाव लिए मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोग स्वयं स्फूर्त तरीके से सड़क जाम कर देते हैं। आए दिन दुर्घटनाओं के बाद सड़क जाम और पुलिस को बल प्रयोग करके सड़क जाम हटाने की कार्रवाई देखने को मिलती है। कहा कि अभी पिछले एक सप्ताह में ताराटांड थाना क्षेत्र में ही 3-3 घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें 2 घटनाओं में सड़क जाम भी हुआ है। साथ ही श्री यादव ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकारों से NH तथा स्टेट हाईवे में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर मुआवजे की स्पष्ट नीति बनाने की मांग मैं करता हूं। किसी भी सड़क दुर्घटना के शिकार पीड़ित परिवार को 10 दिनों के भीतर मुआवजा कम से कम 10 लाख नगद बैंक खाते में भुगतान तथा पीड़ित परिवार के किसी आश्रित को पेंशन व अन्य जरूरी सुविधाएं मिलने की प्रक्रिया शुरू होने की गारंटी होनी चाहिए। ऐसा करके ही सड़क दुर्घटना के बाद होने वाले जाम से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही माले नेता ने कहा कि इस घटना में पुलिस प्रशासन को संयम से काम लेना चाहिए था, लेकिन बल प्रयोग कर सड़क जाम हटाने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। पुलिस ने कई घरों में जाकर जो कार्रवाई की है वह भी कहीं से विधि सम्मत नहीं है। कहा कि पुलिस की लाठियों से 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिरवा देवी समेत विमला देवी, बबीता देवी, रेखा देवी, माला देवी, सुनीता देवी, गुड़िया देवी, पिंकी देवी, ज्योति कुमारी समेत कई अन्य को चोट लगी है। कई घायलों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना को लेकर करीब 2 दर्जन नामजद के अतिरिक्त अज्ञात भी करीब 100 लोगों पर केस किए जाने की सूचना से पूरे गांव में दहशत व्याप्त है। इसलिए भाकपा माले
इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच कर निर्दोष लोगों को इससे बरी करने तथा आम लोगों में पुलिस प्रशासन से व्याप्त दहशत के माहौल को खत्म करने की मांग करती है, अन्यथा उनकी पार्टी जनता को लेकर आंदोलन करने को बाध्य होगी तथा जरूरत पड़ी तो इसे लेकर सूबे के आला अधिकारियों से भी न्याय की मांग की जाएगी। पंडरी के पीड़ितों से मिलने के बाद माले नेता ने ताराटांड के थाना प्रभारी से भी मिलकर उनसे ग्रामीणों का पक्ष रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की। मौके पर इंकलाबी नौजवान सभा के नेता अखिलेश राज सहित स्थानीय सुदामा साव, बालदेव गोविंद मंडल, रंजीत राणा, बिरजू राणा, ऋषो महतो, अनुज सिन्हा, राजेश यादव, राजू राणा, रामचंद्र राणा के अलावे सैकड़ों लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। हम इस मामले में ये कहना चाहते हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हम लोग देखते रहते हैं। ऐसा कोई दिन ही शायद गुजरता है जब इस जिले में या आसपास के इलाके से हम लोग कोई सड़क पर दुर्घटना और मौत की खबर हम लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सड़क जाम के बाद में बहुत मांग होती है कि भाई 5 लाख 10 लाख इस तरह करके मुआवजा दिया जाए, और मांग कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन जो भी सरकारें अभी तक झारखंड में शासन कर रही हैं, चाहे देश की भी सरकार, इस तरह के कोई नियम कानून नहीं बनने के कारण लोगों को यह लगता है कि जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार का कोई व्यक्ति दुर्घटना में मारा गया, उसके परिवार का क्या होगा, उसके बाल बच्चों का क्या होगा, उसके पूरे जो आश्रित लोग हैं उनका क्या होगा, इस चिंता से लोग सड़क जाम करते हैं, सड़क पर उतरते हैं एक तरह से बाध्य होकर के। मुझे सबसे पहले ये लगता है कि इस तरह के मामलों में सरकार को एक पहल लेकर के, चूंकि रोज बरोज की घटना है और इसमें जो एक प्रक्रिया के तहत में बीमा कंपनी के जरिए जो एक भुगतान की बात होती है, वो इतना लंबा प्रक्रिया है कि वो सारे लोग उसको हासिल करेंगे भी तो बहुत उसमें समय लगेगा, लेकिन तत्काल परिवार को जो राहत की जरूरत है, इसकी चिंता में लोग सड़क जाम करते हैं। हम मांग करेंगे सरकार से कि ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी पीड़ित परिवार अगर कोई घटना हो जाए तो उसको एक पर्याप्त मुआवजा और उनके आश्रितों का भरण पोषण हो। इसके लिए उसके परिवार के किसी व्यक्ति का पेंशन, अगर शादीशुदा है तो उसकी विधवा को पेंशन, और उस परिवार को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इस तरह का सरकार को कानून बना करके इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि ऐसी कोई दुखद घटना भविष्य में ना हो। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि यहां जो घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि लोगों ने कानून हाथ में लेकर के और पत्थरबाजी से लेकर के तमाम तरह की घटनाओं की वो बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अभी हम जब गांव में आकर के और सब घरों को हम लोगों ने देखा है तो यहां हम देख रहे हैं कि 70 वर्ष की बूढ़ी महिला से लेकर के कम से कम आधा दर्जन महिलाओं के शरीर में इस तरह की चोट है कि वो चोट को दिखा नहीं पा रहे हैं, यानी उनको बुरी तरह से पीटा गया है। लोग बता रहे हैं कि शाम 6 बजे के बाद घरों में घुस करके जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, मुझे तो लगता है कि जब सड़क जाम खत्म हो गया था तो पुलिस प्रशासन तो सब कुछ है, उसके पास सारा अधिकार है, अगर इस तरह की कोई बात हुई थी और अगर सड़क जाम खत्म ही हो गया था तो इस तरह से घरों में घुस करके महिलाओं को पीटने का कोई वजह हमें नहीं लगता है कि इसमें था। लेकिन कहीं न कहीं से, और खास करके इस थाना में पदस्थापित एक कनीय दरोगा के नाम से जो है वो लोग बता रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा कि भाई वो जहां तक उनको ये कहना चाहिए कि भाई सड़क जाम क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहीं न कहीं से लोगों को सड़क जाम करने से एक तरह से उनका भी कहीं न कहीं से योगदान रहा, ये लोग बता रहे हैं। तो जो भी हो, ये जांच का विषय है। हम मांग करते हैं कि इस संबंध में यह भी पता चल रहा है कि 100 लोगों पर लगभग, शायद कम बेसी हो, ये लोगों को अज्ञात में बोल करके भी केस किया गया है और इससे पूरे गांव यहां दहशत में है। हम तो लोगों से भी अपील करेंगे कि इसमें दहशत में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी यदि निर्दोष व्यक्ति है उसके ऊपर अगर कोई तरह की कार्रवाई होगी तो भाकपा माले पूरी तरह से हम लोग खड़े हैं, हमारी पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। इस तरह के किसी निर्दोष के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। हम पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करते हैं, पुलिस प्रशासन का भूमिका पब्लिक के साथ में एक गार्जियन की तरह होना चाहिए, और अगर उनके तरफ से भी इस तरह का अगर जवाब में अगर उसी तरह का गैरकानूनी तरह का काम अगर किया जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि इससे कोई समाधान निकलेगा। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं। हम इसमें पुलिस के आला अधिकारियों से, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इस जिले से भी ऊपर के जो वरीय अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, हम लोग उनका भी दरवाजा खटखटाएंगे। यहां पर जो कुछ भी हुआ है इसका निष्पक्ष तरीके से जांच हो, किसी भी दोषीदार व्यक्ति के ऊपर तो छोड़िए, उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन किसी भी निर्दोष के ऊपर में कोई कार्रवाई ना हो, इसकी हम मांग करते हैं। और अंतिम रूप से फिर हम मांग करते हैं सरकार से
कि वो इस तरह की घोषणा करे कि कोई तरह के सड़क में दुर्घटना यदि होती है तो उसको इस तरह से मुआवजे का व्यवस्था हो, कानून बने, ताकि किसी को सड़क पर उतरने की जरूरत ना पड़े। हम यहाँ के लोगों के साथ हैं, इनके साथ जो घटना हुई है हम उसमें संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि दहशत के माहौल को खत्म करने में और पुलिस प्रशासन का सहयोग कैसे बना रहे भविष्य में, इसके लिए प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।